नमस्कार दोस्तों गाइस गोल्डियम इंटरनेशनल इसके क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं दोस्तों इसके ऊपर ना एक बहुत आप कह सकते हैं सवाल इस पर पूछा गया था और सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स को दोस्तों मैंने आप कह सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पहले इसको सजेस्ट किया हुआ था स्टॉक जब एक सौ के आसपास ट्रेड कर रहा था दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है ये आपको कोई तीन चार गुना रिटर्न नहीं देगा लेकिन हाँ जिस लेवल पे ये मिल रहा है बहुत ज्यादा बॉटम फिशिंग है यहां से आपको एटलीस्ट फाइव टू टेन परसेंट का रिटर्न तो आपको कुछ ही समय में स्टॉक दे देगा और देखिए ऑलरेडी स्टॉक निचले स्तरों से काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है और इस बार के जो क्वार्टर टू के नंबर आए दोस्तों उसमें कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है जी हाँ ये एक आप कह सकते हैं एक ठीक ठाक सा डिविडेंड भी पे करता है और ये उन पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक है दोस्तों जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते हैं ठीक है आप देखें इसके क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं कैसे रहे है नंबर तो देखिए ये स्टैंड लोन नंबर है दोस्तों ठीक है ये स्टैंड लोन नंबर है और यहां पे ना दोस्तों ये देखिए ये कंसोलिडेट नंबर दे रखे हैं लेकिन आप देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज समझा दूं ये नंबर जो है वो लैक्स में है तो बहुत ध्यान दीजिएगा नंबर्स की चर्चा करने से पहले और देखिए इसे ना हमें मुझे लगता है कि कंसोलिडेट बेस पे चर्चा करना ज़्यादा सही रहेगा ठीक है क्योंकि वहां पे ज़्यादा पिक्चर आपको अच्छे से क्लियर दिखेगी सबसे पहले देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो ये वन करोड़ रहा है दोस्तों जो एक साल पहले आप कह सकते हैं कितना था 85 करोड़ रुपीस था एक क्वार्टर पहले एक करोड़ था यानी प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में बहुत शानदार बिजनेस हुआ है ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और आप देखेंगे यहां पे तो साढ़े सात करोड़ है ये क्या है दोस्तों तो देखिए इसे हमें थोड़ा इसी तरह करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट ऐसे आए हैं आप देखें ये जो अदर इनकम आप देखेंगे तो इस बार वो साढ़े सात करोड़ है जो एक साल पहले फाइव पॉइंट एट सिक्स करोड़ था और एक क्वार्टर पहले वन पॉइंट फोर वन करोड़ था आप इन दोनों को ही जोड़ लें तो इनका जो टोटल इनकम निकल के आएगी दोस्तों वो क्या है वो देखिए टोटल इनकम है 139.28 करोड़ जो एक साल पहले मात्र 92 करोड़ था ह्यूमंगस जंप है एक क्वार्टर पहले ये 121.18 करोड़ रुपीज थी यानी ऑपरेशन फंड में गोल्डीम इंटरनेशनल ने काफी शानदार परफॉर्म किया है बट दोस्तों क्या खर्चों ने स्थिति को तो नहीं बिगाड़ दिया तो देखिए सबसे पहले खर्चा क्या है दोस्तों आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ठीक है आप यहां पर देखें तो इस बार कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है एटी फाइव पॉइंट नाइन नाइन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एट्टी सिक्स करोड़ रुपीज ठीक है कितना एट्टी सिक्स करोड़ जो एक साल पहले कितना था दोस्तों एक सौ एक करोड़ रुपए ठीक है और एक वार्टर पहले कितना था फोर्टी सिक्स पॉइंट वन जीरो करोड़ ठीक है और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भैया आप देखें तो, तो कंसोलिडेट नंबर हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का उसके बाद बड़ा खर्चा क्या आता है कि भाई आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड क्या है तो देखिए इस बारे सिक्स पॉइंट फोर टू करोड़ जो एक साल पहले पांच दशमलव तीन सवा पांच करोड़ था और एक क्वार्टर पहले ये बारह दशमलव एक चार करोड़ था ठीक है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी एक बड़ी चीज होती है जो आपके नजर में होनी चाहिए खर्चों में तो वह भैया देखिए इन्वेंट्रीज का खर्चा फिर है इन्वेंट्रीज का खर्चा जो आपको पता होना चाहिए तो देखें इन्वेंट्रीज का खर्चा किस प्रकार आया है कंपनी का आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी का इन्वेंटरी देखेंगे तो दस करोड़ की पॉजिटिव रही है जो एक साल पहले साढ़े सात करोड़ की पॉजिटिव थी एक क्वार्टर पहले ट्वेंटी करोड़ की थी ठीक है इसके बाद क्या है बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो भाई वो सिक्स टू टू करोड़ है जो एक क्वार्टर पहले फाइव पॉइंट फोर सिक्स थी अब ये जो सबसे बड़ा खर्चा आखिरी में आया है आखिर वो क्या है तो देखिए वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं लास्ट का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है अदर आप एक्सपेंसिस यहाँ पे वो है अदर एक्सपेंसिस तो भाई वो आखिर अदर एक्सपेंसेस कितना आया है हम यहाँ चर्चा करते हैं देखिए यहाँ पे वो दोस्तों आप पाएंगे जो अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस वो है ग्यारह दशमलव सात चार करोड़ कितना दशमलव सात चार करोड़ जो एक साल पहले टेन पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ था कितना टेन पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ और एक साल पहले दोस्तों साढ़े दस करोड़ रुपए था आप इन तमाम खर्चों को जोड़ेंगे तो एक सौ सात दशमलव चार नौ करोड़ है जो एक साल पहले मात्र पैंसठ करोड़ था जी हाँ एक सौ एक साल पहले जो मात्र पैंसठ करोड़ रुपए का खर्चा था वो जंप होकर के आप कह सकते हैं कितना हो गया है दोस्तों वो हो गया है एक सौ सात करोड़ और आप देखें तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है भाई साहब वो है वो क्या है वो देखिए प्रॉफिट बिफोर और एक्सेशन एंड टैक्स और हम अगर यहाँ देखेंगे ना तो प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों आप देखें कंपनी को इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है पीबीटी जिसे हम कहते हैं इकतीस दशम सात आठ करोड़ रुपए जो एक साल पहले ट्वेंटी पहले साढ़े बाईस करोड़ थी, थी. यानी चाहे ईयर ऑन ईयर हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो आपको यहां पे साफ साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब हम जाएंगे कहां इनकम ये आपको दिख रहा है ये कि भाई प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड तो आपको यहाँ दिखेगा कंपनी का टोटल कॉम्प्रीह इनकम फॉर द तो, पीरियड वन सेकेंड आप देखें यहाँ पे तो वो कहाँ पे है दोस्तों वो फिगर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे और वो कितना निकल के आए आखिरी में 24.45 करोड़ जो एक साल पहले मात्र बीस दशमलव चार नौ करोड़ था और एक क्वार्टर पहले साढ़े बीस करोड़ यानी ऑन अ कंसल्ट बेसिस नंबर टोटल इनकम जो निकल के आई है इनकी वो काफ़ी शानदार है दोस्तों ठीक है अगर हम नीचे चलें और हम ई पी एस में ध्यान दें कि भाई साहब ई कितनी निकल के आई है टोटल तो आप यहाँ पाएंगे जो कंपनी की ई है दोस्तों आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स तो आप यहाँ पाएंगे कि वो है दोस्तों आप देखें यहाँ पे कितनी है 2.16 जो एक साल पहले 1.72 थी और एक क्वार्टर पहले डेढ़ रुपये थी यानी आपकी जो ई है उसमें कंसर्ट बेसिस में काफ़ी शानदार आपको जंप देखने को मिल रहा है यानी गोल्डम इंटरनेशनल ने जो नंबर्स पेश किए हैं वो अपने आप में बहुत शानदार है दोस्तों और देखिए जब हम कंसोलिडेट बेस पे चलते हैं ना नंबर्स पे आप देखें यहाँ पे तो कंपनी का वन सेकंड जो ज्वेलरी बिजनेस है वो आप देखें कंसोलिडेट बेसिस पे 92 करोड़ था वो जंप होकर के कितनी 138 करोड़ हो गया है और जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी दोस्तों ठीक है वो आप देखेंगे तो कितनी हो गई है लगभग 10 लाख थी वो हो करके, आप कह सकते हैं सिक्स करोड़ रुपीज हो गई है और जो प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो ज्वेलरी सेगमेंट में जहां ट्वेंटी एट करोड़ का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों वो जंप होकर के इकतीस करोड़ का हो गया है और इन्वेस्टमेंट का जो इनकम था वो जो पॉइंट ही नाइन था वो जंप होकर के वन पॉइंट वन करोड़ वन फोर करोड़ हो गया है यानी जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है उन्होंने काफी अच्छी बढ़ोतरी की है और काफी शानदार सपोर्ट दिया है ओवरऑल बिजनेस में दोस्तों ठीक है तो मुझे ये लगता है नंबर्स अच्छे हैं और गोल्डे इंटरनेशनल के जो भी निवेशक रहे होंगे स्टॉक शायद जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो शायद गोल्डम इंटरनेशनल मुझे लगता है वो एक आपको तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ठीक है तो आप यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये सूर्यकांत है जय हिंद देखिए कि इसके जो क्वार्टर टू के नंबर्स ही आए हैं नो डाउट अच्छे हैं बट मैं यही कहूंगा कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थे तो इस तेजी को आप एग्जिट करने का मौका लें ठीक है और इतना ही नहीं कंपनी ने जो एक बहुत ही शानदार मैं आप बता दूं जिन्होंने डिविडेंड पेश किया है अपने निवेशकों को वो किस प्रकार है आप देखें यहां पे तो कंपनी का कहना है कि भैया जो हमारा बोर्ड मीटिंग हुई है फर्स्ट इंटरम डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है एक रुपये बीस पैसे का जी हाँ एक रुपए बीस पैसे का इंटरम डिविडेंड यहाँ दिया गया है दो की फेस वैल्यू का स्टॉक है और चौबीस नवंबर ठीक है 24 नवंबर 2023 को ये रिकॉर्ड डेट रखी गई है कि भाई साहब अगर आपके पास 24 नवंबर तक आपके पास ये स्टॉक है तो आप ये एक पैसे का डिविडेंड आपको मिलेगा अब आप पूछेंगे कि भाई साहब रिकॉर्ड डेट तो हो गई पेमेंट कब तक मिलेगी तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन शैल बी स्टार्ट फ्रॉम वेंसडे ट्वेंटी नाइन यानी तीस नवंबर से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी आने वाली यानी एक दो दिन के अंदर आपके पास इसकी जो पेमेंट है फर्स्ट डिविडेंट की वो मिल जाएगी बट याद रखिएगा आपके पास ये जो स्टॉक है आपके डिमेट अकाउंट में सेटल्ड होकर के चौबीस नवंबर को होना चाहिए ठीक है अगर सेटल होने के बाद चौबीस नवंबर के आपके पास है ही या स्टॉक आपके डिमिट अकाउंट में तो आपको एक रुपये बीस पैसे का डिविडेंड जरूर मिलेगा दोस्तों ठीक है और ये दोस्तों मैं कहूंगा कोई बहुत ज्यादा बहुत तेजी वाला है ना बहुत ज्यादा गिरावट वाला स्टॉक है आज मुझे लगता है अगर इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज रहा होगा तो बाजार बंद होते चीजें ठंडी भी होती है आपको दिखाई दे सकती हैं इसीलिए मैं कहता हूं ये पोर्टफोलियो को मैं स्टेबिलिटी के लिए ना कि बहुत ज्यादा रैली के लिए दोस्तों ठीक है बट हां नंबर्स जो यहाँ हैं वो नो डाउट अच्छे हैं बट जो मेन बिजनेस है ज्वेलरी वहां पर मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन साफ साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों इसलिए दोस्तों ये जो इनके मेन बिजनेस में जो एक मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन आया है बाजार इसे किस तरह लेगा ये देखना रहेगा इन्वेस्टमेंट ने अगर कंसोल्ट बेसिस पे जाएंगे तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको बचाता हुआ दिखाई देगा इसीलिए मैं कह रहा हूँ नंबर्स नोट और अच्छे दिख रहे हैं लेकिन कोर बिजनेस में मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन इज नॉट अ गुड साइन दोस्तों इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब आने वाले समय में इसको बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है बट जिस प्रकार की ऑलरेडी करेक्शन स्टॉक में है और जो जिस प्रकार के ये स्टॉक है दोस्तों एक्यूमुलेशन का लॉन्ग टर्म का अगर आप इस पर लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं बने रह सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए था 125, 26, 27 के आसपास तो एक जंप आपको शायद आप एटलीस्ट आज तो आपको ये स्टॉक जरूर से जरूर दिखा सकता है जो कि एक बहुत साफ सुथरी एक एग्जेट स्ट्रेटजी हो सकती है दोस्तों ठीक है वरना एक रुपये बीस पैसे का डिविडेंड अगर आपके डिमेंट अकाउंट में चौबीस सौ उम्र का है तो ये स्टॉक देगा आप यहाँ तक जुड़े रहे दोस्तों अपना कीमती समय दिया चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये श्रीकांत है जय हिंद